हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग अपने ओ लेवल का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और उसके साथ साथ मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चंस भी फर्स्ट चैप्टर मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल से कंप्लीट आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी है, मैंने उस क्लास को दो भागों में डिवाइड किया था। पहली क्लास में मैंने आप टॉप 50 क्वेश्चन बताए थे और नेक्स्ट क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस बताए थे। ठीक है, तो आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें पहले चैप्टर से जितने एमसीक्यू बन सकते हैं इम्पोर्टेंट वो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किए थे। तो जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं और या फिर जिन लोगों ने उस क्लास को क्या किया है मिस कर दिया है, वो लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उसको चेकआउट करके आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अब हमारा क्या है, ओ लेवल का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, M1R5 का चैप्टर नंबर 2, जो कि क्या है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे फ्री क्लासेस का सभी लोग बेनिफिट्स ले सके। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो हमारा या CCC हो या कोई भी PGDCA BCA, सभी लोग इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का। पहले चैप्टर में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, कब हुआ था, कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने वहां पे 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर पढ़े थे। एक हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा पढ़ा था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और भी पढ़े थे हम लोगों ने जैसे कि क्या था, जो कि हमारे था ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोप्राइटरी। बट यहाँ पे जो काम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमने बताया था कि वहां पर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था कैसा सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने में, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां पर आ गई है कि अब हम लोगों को पढ़ना है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में। देखिए, नाम से पता चला ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने वाला सिस्टम। ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो भी हम लोग काम करते हैं, देखिए हम लोग सब मतलब रखते हैं हमारा काम अच्छे से हो रहा है, लेकिन वो काम अच्छे से क्यों हो रहा है, कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना का पढ़ लिया है और दूसरा टाइपिंग करते हैं, जो भी करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसको पता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे सिस्टम को कैसे मैनेज करके चलना है, पूरे कामों को ये सब कुछ करता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, अगर एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बोले तो क्या होगा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। हम लोग कौन होगा, यूजर हो गए, और कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होगा, जैसे कि जो भी हम लोग यहां से यूज कर रहे हैं, जैसे कीबोर्ड माउस, तो ये सब को सही तरह से काम चल पा रहा है, वो किसके वजह से कर पा रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करा रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड करा रहा है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, हम लोगों के और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, तभी ये काम हमारा अच्छे से हो पा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे, क्या है, पहली तो डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। हम लोगों के बीच में इंटरफेस का काम कर रहा है, कैसे, जैसे हम जो कर पा रहे हैं और वो हम लोग जो अपने हार्डवेयर से कर पा रहे हैं, तो उसका पूरा काम को मैनेज कौन कर रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि बीच में हमारे हार्डवेयर भी रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि कीबोर्ड माउस, तो वो सही तरह से जो भी हम चाह रहे हैं वो हो रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एलिमेंट्री प्रोग्राम फॉर एनी कंप्यूटर। ठीक है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम लोग इतने सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है, इतना कुछ कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर कल्पना भी नहीं की जाती, क्योंकि नहीं तो चलाएंगे कैसे, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की तो जरूरत है ही चलाने के लिए, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो नोन एज द बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, दैट प्रोवाइड्स द इंटरफेस टू द यूजर ऑफ आर इंटरेक्टिंग द कंप्यूट हार्डवेयर एंड असिस्ट्स कंप्यूटर इन मैनेजिंग इंटरनल रिसोर्स। ठीक है, यही पूरे जो इंटरनल रिसोर्स होता है उसको मैनेज कौन कर रहा है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनल में जैसे जितनी भी हमारे हार्डवेयर हो गए, ठीक है, हार्डवेयर के साथ साथ इंटरनल में जैसे रैम है, हार्ड डिस्क है, कभी कभी तो वो क्या होता है, कंप्यूटर हैंग होने लगता है, तो मतलब क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ी सी क्या है, बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ साथ होने लगती हैं, इस वजह से क्या होता है, कंप्यूटर हैंग भी होने लगता है। तो लेकिन इन सब का मैनेजमेंट कौन करता, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आर मेनी टाइप्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज फॉलो। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के डायग्राम से, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मतलब CUI
और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI। अभी आजकल जो हम लोग यूज करते हैं वो GUI बेस्ड ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि CUI की प्रॉब्लम क्या थी, CUI में सिर्फ हमारा एक होता था MS-DOS। MS-DOS का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें क्या होता है, एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता है, ठीक है, डॉस के अंदर एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता है। इस वजह से क्या है, प्रॉब्लम रही है इसकी, ठीक है, तो इसलिए क्या यूज करते हैं हम लोग, GUI हम लोग यूज करते हैं। तो GUI के कितने टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर विंडोज 95, 98 और XP आता है, जिसमें एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता है, ठीक है, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दूसरा क्या होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है यूनिक्स, लिनक्स, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या है, थोड़ा सा इसमें हिस्ट्री आ गई है। इन अर्ली डेज CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज यूज, बट नाउ आर डेज GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज। यही मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले क्या होता था, CUI यूज होता था, लेकिन अब क्या यूज हो रहा, GUI, ठीक है। जो भी मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने सब कुछ थ्योरी में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, ये नोट्स आपको मैं वेबसाइट पे आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, कुछ ही टाइम बाद, अभी एक दो दिन के अंदर आप लोगों को जो हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल के नोट्स हैं वो आपको अपलोड मिल जाएंगे। लेकिन क्या है, डेली आप लोग विजिट करिए वेबसाइट पे, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ठीक है, बता दिया मैंने आपको, दो पार्ट में डिवाइड है, एक CUI हो गया, दूसरा GUI हो गया, ठीक है। तो इस थ्योरी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे बताया DOS इज एन एग्जांपल ऑफ CUI एंड विंडोज इज एन एग्जांपल ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, टू टाइप्स बेसिस, वन इज सिंगल यूजर, ठीक है। तो ये वही थ्योरी है जो मैंने आपको समझाया है, तो लिखा हुआ MS-DOS इज एग्जांपल ऑफ सिंगल ऑपरेटिंग, यूनिक्स, लिनक्स, ठीक है, विंडोज NT आर द एग्जांपल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो MS-DOS ही एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, बाकी आपका मल्टी यूजर का, ठीक है। बढ़ते हैं फंक्शंस। फंक्शंस का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे क्या क्या करता है, ठीक है। अब हम लोग क्योंकि क्या कर रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एज वी नो कंप्यूटर सिस्टम इज मेड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम ऐसा तो नहीं है कि एक ही डिवाइस, बहुत सारे डिवाइस से मिलकर बनता है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ठीक है, स्कैनर, सब मिला के तो एक पूरा सिस्टम तैयार होता है, ठीक है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एम्पावर्स दीज डिवाइसेस सो दे कैन ऑल फंक्शन इन बेटर मैनर। देखिए, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अच्छा नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम सही से नहीं करेगा, तो ये सब मैनेज होंगे कैसे, कीबोर्ड अपना बढ़िया चलता है, माउस अच्छा चलता है, प्रिंटर से प्रिंट निकलता है, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि हमारे सिस्टम सही से काम कर सके, ठीक है ना। तो ये पूरा क्या है, इंटरनल काम है, इसमें हमें मतलब नहीं होता, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ ऑपरेट करता है, ठीक है। तो पहली जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है डिवाइस का मैनेजमेंट करना है, हेडिंग से पता चल रहा है, डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरनल डिवाइस, ठीक है, कनेक्टेड विद द कंप्यूटर। लाइक देखिए आगे भी बात की, कंप्यूटर में जो भी डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, डिस्क हो गया, मेमोरी, सबका मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एस्टेब्लिश रिलेशन ऑफ इनपुट आउटपुट विदाउट कंप्यूटर टू सेंड इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेट। देखिए हम लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर में मान के चलिए नया कीबोर्ड लगाया, माउस लगाया या प्रिंटर लगाया, तो हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते कि आपको, जैसे कि हम लोग यहाँ टाइप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी हमें सब इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होती है, उसको सब पता है कि जब भी डिवाइस लगाना है तब कौन सी प्रोसेस करना है, कहाँ उसको जगह देना, ये सब ऑटोमेटिक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन की हमें उसको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, कोई भी चीज, कोई भी एप्रोप्रिएट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो नोन एज रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। एक और नाम हो गया कि इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, पूरा जो भी हम रिसोर्स जो भी हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा, तो इसको हम लोग, क्योंकि वो सारे रिसोर्सेज जो भी हम यूज कर रहे हैं उसको क्या कर रहा, मैनेज कर रहा, तो ये भी काम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो सारा डिवाइस के मैनेजमेंट कौन करता, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है। दूसरी बात आती है आपकी मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मतलब हम लोग मेमोरी पढ़ी थी, मेमोरी का मैनेजमेंट भी कौन करता, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द कंप्यूटर सिस्टम इन सच अ वे दैट सिस्टम बैलेंस रिटेन ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्स और सिस्टम यूटिलाइज द मैक्सिमम। देखिए हम लोग इतना काम करते हैं कंप्यूटर में, ये जो काम कर रहे हैं, जो करेंटली में काम चल रहा है वो किस पे होता है, रैम पर होता है, तो उसका भी मैनेज वो करता है, ठीक है। उसके बाद काम करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग अपने डेटा को सेव करते हैं, तो उसका भी मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या है,
ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा, किसको कितनी मेमोरी देना है, कैसे काम करना है, ठीक है, पूरी मेमोरी का मैनेजमेंट वगैरह सब ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। तो यही बात मैं आपको बताऊं कि हम लोग काम करते हैं लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, वही सही से काम नहीं करेगा, तो हम लोग कंप्यूटर पर काम कर ही नहीं पाएंगे। तो जो इंटरनल काम करता है जो हमारे साथ में, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हमारे काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, फाइलों का मैनेजमेंट करना। तो फाइल इज दैट यूनिट इन अ कंप्यूटर वेयर इन्फॉर्मेशन कैप्ट स्टोर, ठीक है, जैसे कि जो भी हम लोग काम करते हैं सेव करके रखते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी फाइल कहलाती है। तो उस फाइल का मैनेजमेंट भी कौन करके रखता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि जैसे मान के चलिए मैंने आपको बताया था कि जो भी काम करते हो रैम पे करते हैं, जब हम उसको सेव कर देते हैं तो किस में चला जाता है, सेकेंडरी स्टोरेज में। अब कल हमें उस फाइल में आगे काम करना है तो वो फाइल जब हम लोग ओपन करते हैं तो वो फाइल हमें मिलती है कि नहीं, मिलती है ना। तो जो फाइल वो मिलती है तो वो किसके वजह से, किसने इसका मैनेजमेंट करके रखा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सही से मैनेज करके नहीं रखता तो वो हमारी फाइल मैनेज ही क्यों होती, ठीक है। तो फाइलों का मैनेजमेंट भी कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आया प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मतलब एक टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो या फिर हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए, तो सभी का मैनेजमेंट भी कौन करके देता है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें सबका मैनेज करके देता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज प्रोसेसर ऑल्सो। इफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज मल्टी यूजर देन इट प्रोवाइड टाइम दैट इज टू बी प्रोवाइडेड टू डिफरेंट यूजर। देखिए अगर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक समय में बहुत सारे यूजर काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड कराएगा, सभी यूजर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप से प्रोसेस का मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। फिर सिमिलरली डिफरेंट टाइम इज प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट जॉब इन मल्टी, हर कोई यूजर अपने अपने काम करेगा तो हर किसी का काम के लिए अलग अलग तरह से प्रोसेस का मैनेजमेंट होगा, ठीक है। दूसरी बात आती है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सेफ्टी टू ऑथराइज यूजर, सिस्टम में फ्यू कॉन्फिडेंशियल फाइल फॉर वी रिक्वायर सेफ्टी, सो ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट ग्रांट परमिशन टू अनऑथराइज यूजर टू एक्सेस। देखिए ये वाला चीज हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम लोग सिस्टम में कंप्यूटर के अंदर अपना यूजर कैसे बनाए और उसमें क्या है पासवर्ड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर पीछे जो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इसमें हम लोग ये देखेंगे। तो देखिए पहला होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि नाम से पता चला बैचेस में जहां पे क्या हो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करे। अब होता क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली, ठीक है। तो क्लियर हो गया, यहां से कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होते इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर इज एन ऑपरेटर विच टेक सिमिलर जॉब हैव द सेम रिक्वायरमेंट एंड ग्रुप देम इनटू द बैचेस, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर टू शॉर्ट जॉब विद द सिमिलर नीड। देखिए इसमें इस तरह से होता है कि पहले सारे इनपुट ले लिए जाते हैं, मान के चलिए जैसे कोई यूजर है, यूजर को जैसे दो यूजर है, उसने कुछ अपना कुछ इनपुट दिया है, तो पहले एक इनपुट दो इनपुट तो पूरा क्या हो जाता है बैच बना बना के रख लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यूजर फ्री है, फिर यूजर का कोई काम नहीं है, फिर क्या है जो भी काम रहेगा वो किसका रहेगा, ऑपरेटर का, जो ऑपरेटर बीच में काम कर रहा है, ठीक है। वो ऑपरेटर क्या करेगा, बैचेस की फॉर्म में क्या देगा, जो हमारा जो भी काम होगा इनपुट होगा वो भेजता जाएगा और प्रोसेस होती जाएगी। तो इसमें क्या होता है बैच, बैच मतलब क्या होता है ग्रुप, तो ग्रुपों के फॉर्म में पहले क्या लिए जाते हैं इनपुट ले लिए जाते हैं, उसके बाद क्या होता है एग्जीक्यूट किया जाता है। हालांकि ये यूज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं तो कितने टाइप्स के पहले भी यूज होते थे, ठीक है, वो सब हम लोग यहाँ पे टोटल देख रहे थे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं होता है, क्या होता है बैचेस की फॉर्म में इनपुट ले लिया जाता, उसके बाद क्या होता है एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है वो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटर होता है वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से पता चल रहा टाइम को शेयर करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट ऑल द टास्क वर्क स्मूथली। देखो क्या होता है, जैसे मल्टीपल जॉब्स चल रही है, मतलब मल्टीपल काम चल रहे हैं, तो क्या होता है हर एक काम को करने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है, तो इससे क्या होता है हर किसी को थोड़ा थोड़ा काम मिल रहा है करने के लिए हर एक टास्क को, तो क्या है बहुत आराम से इसमें काम चलता रहता है। ईच यूजर गेट द टाइम ऑफ सीपीयू एज द यूज सिंगल सिस्टम, ठीक है। हर एक यूजर को क्या मिल रहा है, टाइम मिल रहा है कि वो एक सिंगल सिस्टम में जितना चाहे अपना यूज कर सके। दिस सिस्टम ऑल्सो नोन एज द मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इन्हीं सिस्टम को अपन लोग क्या बोलते हैं, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। द टास्क कैन बी फ्रॉम द सिंगल यूजर और डिफरेंट यूजर ऑल्सो, ठीक है, उसमें एक यूजर भी हो सकता है, एक से ज्यादा यूजर भी हो सकते हैं। द टाइम दैट ईच टास्क गेट इज कॉल्ड द क्वांटम, ठीक है। याद रखना ये पूछा गया है कि क्वांटम किसे कहते हैं, तो द टाइम दैट ईच
टास्क गेट टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। ठीक है, यहाँ पे मल्टी टास्क है, एक साथ बहुत सारे काम हो सके, मल्टी टास्किंग किसमें आता है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिमिलर इज रिसेंट एडवांस्ड इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड आर बींग widely accepted all over the world and that to the great place where I see arrangement of the interconnected computer communicate with each other they share the communication network। ठीक है, नेटवर्क में थ्रू जहां पे काम हो रहा है वहां पे अपन किसका यूज कर रहे हैं, जो हमारा रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इंडिपेंडेंट सिस्टम प्रोसेस देयर ओन मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू, दीज आर द रेफर टू द लूजली कपल्ड सिस्टम। ठीक है, हालांकि कुछ पूछे नहीं जाते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसमें ये कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से पता चल रहा है नेटवर्क में जिसमें काम हो सके। तो दिस सिस्टम रन्स ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा यूजर ग्रुप सिक्योरिटी एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शन। दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ शेयर्ड एक्सेस ऑफ फाइल्स। ठीक है, नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, प्रिंटर सिक्योरिटी एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शन ओवर अ स्मॉल प्राइवेट नेट में। ठीक है, जो नेटवर्क में काम करे उसमें क्या उसका रिक्वायरमेंट होती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से पता चल रियल टाइम, तो इस टाइम पे भी क्या है रियल टाइम यूज होते हैं, जैसे एटीएम मशीन्स होती हैं। ठीक है ना, जो ट्रांजेक्शन होता है, तो आप लोग देखिए अगर थोड़ा बहुत भी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम काम नहीं करे तो ट्रांजेक्शन यहां का वहां हो सकता है। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एटीएम में होता है। दूसरा, ये वेबसाइट वगैरह होस्ट होती है, तो होस्टिंगर जो रहते हैं, होस्टिंग प्रोवाइड कराने वाले रहते हैं जो, तो वो लोग भी क्या है इसका यूज करते हैं। तो क्या है, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व रियल टाइम सिस्टम, द इंटरवल ऑफ इक्विपमेंट ऑफ द प्रोसेस रिस्पॉन्ड टू इनपुट इन वेरी स्मॉल, द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, रियल टाइम आर यूज when they are time requirement that are very strictly like missile system, air traffic control system, robots। ठीक है, इन जगह पे भी होता है, जैसे किसमें बता दिया मिसाइल सिस्टम हो गया, ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, जो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग पता कर लेते हैं जो एयरपोर्ट पे जो कहां पे प्लेन कहां तक कहां पर लैंड कर रहा है, कहां पर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, तो वो रियल टाइम है। ठीक है, ऐसी क्या है हमारा नेक्स्ट रियल टाइम के बाद जो नेक्स्ट है उसमें किसमें रोबोट्स वगैरह हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल होता है आजकल रोबोट के द्वारा, तो उसमें भी हम लोग क्या है इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड विंडो, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। ठीक है, दोनों में ही सेम यूज होते हैं, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो। ठीक है, तो देख लेते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो विंडो सबसे कॉमन है, तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन फॉर मेनली डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप। ठीक है, किसके लिए डिजाइन किया गया डेस्कटॉप, मेनली क्या है लैपटॉप और डेस्कटॉप, जो की बात एक ही है। ठीक है, बस क्या फर्क है, डेस्कटॉप को एक ही जगह पर रख सकते हैं, और मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पढ़ाया था, और लैपटॉप क्या होता है पोर्टेबल होता है, कहीं भी हम लोग इसको ले जा सकते हैं। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द मोस्ट यूजिंग ऑफ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ठीक है, सभी लोग जानते हैं सबसे ज्यादा यूज किसका होता है विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, विंडोज 7, विंडो 10। ठीक है, ये सब किसके हैं हमारे विंडोज के एग्जाम्पल। बिसाइड दिस लिनक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम टू डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूज इन द आईटी प्रोफेशन। ठीक है, जो लिनक्स होते हैं और जो मैक होते हैं ये कौन यूज करते हैं, ये लोग हम लोग तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन क्या होते हैं जहां पे आईटी कंपनियां होती है, सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, वहां पे क्या इसका लिनक्स हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वहां पर क्या है इनका यूज होता है। जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं विंडोज यूज करते हैं। देखिए लिखा हुआ है विंडोज के बारे में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा, विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज करेंटली हैज 90% मार्केट। ठीक है, 90% मार्केट इस टाइम किसकी है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम आर डेवलप्ड फॉर रनिंग अकॉर्डिंग टू द विंडोज एज कम्पेयर टू एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज कम टू द डायवर्सिटी ऑफ द डिफरेंट वर्जन। ठीक है, क्या हो रहा है विंडो के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आते जाते हैं। ठीक है, हालांकि विंडोज ही कहलाता है, चाहे वो विंडोज 7 हो, विंडो 10 हो। ठीक है, लेकिन क्या है वर्जन चेंज होते हैं, बस वही इसमें चेंजिंग रहेगी, और वर्जन के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी सी फंक्शनलिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, इंटरफेस भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द रिलीज ऑफ विंडो विस्टा। ठीक है, 2007 एज कम्पेयर द अर्लियस्ट सिस्टम एक्सपी विंडो विस्टा प्रोवाइड मेनी इंप्रूवमेंट विंडो एनटी 95, 98, 2000, 2003। ठीक है, 7, 8, 10 इज द इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं लिनक्स। मैंने आपको पहले बताया कौन यूज करता है, जहां सॉफ्टवेयर आईटी प्रोफेशनल होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हैं, वो लोग इसका यूज करते हैं। थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। लिनक्स इज द फैमिली ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब हम लोग फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, विच मीन्स दे कैन बी मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एनीवन अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, मॉडिफाई करके क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। लिनक्स इज द मल्टी यूजर मल्टी टास्क एंड ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज डेवलप्ड इन 1995 बाय द लिनस टोरवाल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है लिनक्स को किसने डेवलप किया, तो देखिए लिनक्स और लिनस, ठीक है, इन्हीं के नाम से है लिनस टोरवाल्ड। ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था। कैसा है
मल्टी यूजर है, मल्टी टास्किंग है, ठीक है। मल्टी टास्किंग का मतलब है एक समय पर ज्यादा से ज्यादा टास्क, अपन एक समय पर जब एक से ज्यादा टास्क कर सके तो मल्टी टास्किंग होता है, और एक एक समय पर एक से ज्यादा यूजर काम कर सके वो मल्टी यूजर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए तीन प्रोसेस चल रही है, ठीक है, उसके बाद मान के चलिए एक प्रोसेस 1, 2, 3 प्रोसेस चल रही है, एक थोड़े टाइम के लिए रुक गई है तो क्या होता है दूसरी प्रोसेस पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने लगता है, ठीक है। फिर जगह दूसरी रुक गई तो तीसरी, मतलब ये क्या है सीपीयू फ्री नहीं रहता है इसमें, ठीक है, सीपीयू का हमारा कंटिन्यू काम करता रहता है। तो इस तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, जहां पे सीपीयू बिल्कुल भी फ्री नहीं होता है, ठीक है। इट इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ यूनिक्स, ठीक है, यूनिक्स का एडवांस है, क्योंकि लिनक्स यूनिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, लेकिन ये किसका एडवांस है, ये हमारा यूनिक्स का एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यूनिक्स से बड़ा है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट बाय जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड मल्टी यूजर, देयरफॉर इट कैन रन इजिली बाय कनेक्ट मोर देन वन नोड्स टू द सर्वर कंप्यूटर ऑन विच इट इज लोडेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम करता है। इसके बाद आ गया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, एप्पल का है, ठीक है। मैक जो होता है एप्पल का होता है, फुल फॉर्म होता है मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन बाय द एप्पल एंड इंट्रोड्यूस इन 1984, ठीक है, 1984 में इसको इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू ऑपरेट एन एप्पल मैन्युफैक्चर कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट, ठीक है, एप्पल में आपको ये बाय डिफॉल्ट मिलेगा। Does not support x86 architecture. It is graphical user interface has operating system that has since been released by the multiple different version. ठीक है, अलग अलग version में मिलते हैं, okay. लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर जैसे कि हम लोग मोबाइल होते हैं एप्पल के ये रहेंगे तो इसमें इनबिल्ट आता है, इसमें हमें कोई भी पे चार्ज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, अब आ जाते हैं मोबाइल में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। तो आप लोग को पता है मोबाइल में सबसे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड जो यूज होता है हमारा वो मोबाइल में यूज होता है। द एंड्रॉयड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज गूगल्स ओपन फ्रॉम फ्री, द एंड्रॉयड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज गूगल ओपन फ्रॉम फ्री, ठीक है, लाइन थोड़ा डबल रिपीट हो गई है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड अंडर द डेजर्ट इंस्पायर, ठीक है, इसके अंडर डेवलप हुआ है वर्जन नेम विद द न्यू वर्जन अराइविंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, जैसे कि कप केप हो गया, डोनट हो गया, इसके आप लोग ज्यादातर देखिएगा वर्जन ये हमारे खाने पीने के चीजों से मिले होते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो एंड्रॉयड के वर्जन आते हैं, जैसे कि हम लोग जो चीजें खाते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आते हैं, जैसे कि कप केप हो गया, डोनट हो गया, एक्लेयर हो गया, ठीक है, फ्राई हो गया, जिंजर बियर्ड, ठीक है, हनीकॉम, आइसक्रीम, ये सब क्या है खाने की चीजें, और यही क्या है हमारे वर्जन के नेम भी है, ठीक है। एंड्रॉयड के जो वर्जन के नेम है वो हमारे यही है, ओके। नेक्स्ट आते हैं iOS, ठीक है। iOS क्या है, ये भी मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन में यूज होता है, ठीक है। इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल, ठीक है, एक्सक्लूसिवली फॉर द इट्स मोबाइल फोन्स, ठीक है, मोबाइल फोन्स के लिए यूज होता है। इसके बाद क्या है, एंड्रॉयड iOS इज द, बाकी आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा क्योंकि थ्योरी वही है, iOS इज द मेंबर ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिली, ठीक है। किसका है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था मैकिंटॉश, उसी फैमिली का क्या है, एक मेंबर है ये हमारा iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS लॉन्च्ड ऑन द June 2007 फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कब लॉन्च हुआ है हमारा, June 2007 में। दिस मोबाइल ऐप हैज बीन कलेक्टिवली डाउनलोड मोर देन 130 बिलियन टाइम्स, ठीक है, कि 130 बिलियन टाइम क्या हुआ, ये हमारा डेवलप्ड हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं विंडो मोबाइल। विंडो मोबाइल भी आप लोगों ने देखे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडो के मोबाइल जो कि 2016 में बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट के फोन्स वगैरह आए थे। तो उसमें क्या है, ये भी किसका पार्ट है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स का ही पार्ट्स है, ओके। विंडोज मोबाइल में क्या है, विंडोज मोबाइल फोन इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्मार्टफोन्स एंड द पॉकेट पीसी, ठीक है, जानते हैं आप लोग स्मार्टफोन्स और पॉकेट पीसी। इट इज बेस्ड ऑन द विंडो सीरी एंड कर्नल मोबाइल। विंडो मोबाइल इट सेल्फ फर्स्ट अपियर 2000 एज अ पॉकेट पीसी, 2000 इट वॉज रीनेम विंडो मोबाइल 2003, ठीक है। उसके बाद क्या आने लगा, मोबाइल वगैरह भी आने लगे, जो कि क्या हुआ, विंडो 10 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इन 2015। विंडो 10 मोबाइल वॉज डिजाइन फॉर यूज ऑफ स्मार्टफोन, ठीक है, स्मार्टफोन में 2016 में ज्यादातर यूज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन यूज होता है वो हमारा क्या होता है, एंड्रॉइड ही होता है। और एंड्रॉइड के वर्जन जितने भी आते हैं वो क्या है, सारे जो हमारे जो खाने पीने के आइटम होते हैं सारे उसी पे बनते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा है सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, ठीक है, ये सब क्या है, वर्जन कहलाते हैं, ओके। तो यहां पर जो हमारा आज का टॉपिक था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें क्या हो गया, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है ये कंप्लीट कर लिया है। यहां पर
फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, बाकी इंटरनल काम था। इसके अलावा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और नेक्स्ट हम लोग विंडोज और सॉरी डेस्कटॉप और लैपटॉप में किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और मोबाइल में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो भी हम लोग यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या रहेगा, जितना भी अब थोड़ा बहुत रह गया है वो हमारा प्रैक्टिकल वर्क रह गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल वर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना भी प्रैक्टिकल काम है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ही आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आपको नोट्स कहां से मिलेंगे, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके नोट्स अपलोड हो चुके हैं, मैं आपको बता दूंगा कि उसके नोट्स आपको कहां से आप लोग वहां से लेके आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, वहां से लेके अपने एक कॉपी पे भी नोट करके कॉपी करके कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।